बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर, अभी तक आपके वार्ड में इसको बचाव के लिए क्या क्या किया गया है? बचाव के लिए हम लोगों का जैसे कि मास्क हम बांटवाए, घर पीछे चार चार मास्क बांटवाए, लाइफ बॉय साबुन बांटवाए, जो बाहर से आए आदमी उसको कंट्रोल रूम में व्यवस्था करवाया स्कूल में। उसके बाद हुए जो आए तो उन लोगों का जो आपदा द्वारा 1,000 रुपया मिलना था जो खाता में, वो अभी तक हमारे वार्ड के व्यक्तियों पर। बात करेंगे विकास के मुद्दे पर, अभी तक आपके वार्ड में कितना विकास हो चुका है? हमारे वार्ड में अभी तक विकास जैसे कि नली गली का काम कुछ हुआ है, कुछ जगह का अभाव में कुछ कार्य रुका हुआ है। जैसे कि एक गड्ढा है तो उस गड्ढा को हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगाए थे, उस पर ADM साहब ने जमाबंदी रद्द करने के लिए उसको CO साहब बिहिया अंचलाधिकारी को बोले हैं, लेकिन बिहिया अंचलाधिकारी कुछ लंबित इसलिए जल्दी से जल्दी इस पर अतिक्रमण मुक्त हो जाता, गड्ढा खुलना जाता तो कुछ विकास की रास्ता आगामी नली गली का काम स्टार्ट किया। बात करेंगे नली गली में तो लगभग कितने प्रतिशत काम हो चुके हैं? हमारे वार्ड में नली गली में कम से कम 80% काम हो चुका है, 20% बाकी है। नल जल की क्या व्यवस्था है? नल जल का व्यवस्था है कि हमारा बोरिंग गल गई है, समसेबुल लग गया है, बोरिंग चालू हालत में है, पाइप हम ऑर्डर दिए हैं, चेक काटे हैं, पाइप गिरेगा, पाइप का काम भी चालू हो जाएगा। फिर कुछ उसमें पैसा हम मांग किए हैं बिहिया प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, पैसा आएगा फिर अच्छा काम चलना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बात करें शौचालय के, लगभग कितने शौचालय आपके वार्ड में बन चुके हैं? शौचालय हमारे वार्ड में कम से कम 70% बन चुका है। सबको भुगतान हो चुका है? कुछ भुगतान हुआ है, कुछ लोगों को बाकी है। कुछ लोगों को क्यों बाकी है, आखिर कारण क्या है? जैसे कि जियो टैगिंग हुआ, उसके बाद फोटो गया, अथी हुआ, तब तक कोरोना ये लॉकडाउन लग गया, उसी के लाभ हम में मैंने अभी पैसा रुका हुआ है कुछ व्यक्ति। अभी तक रुका हुआ है कि अभी जारी हो चुका है काम? कौन सा काम? यही पैसा वाले। अभी तो लॉकडाउन में कल हम गए थे तो अभी मैंने ऑफिस खुल रहा है तो उस पर गए तो जो BC साहब हैं वो नहीं बैठे हुए थे। बिहार की सबसे बड़ी समस्या राशन कार्ड के ऊपर बात करते हैं, लगभग कितने प्रतिशत आपके वार्ड में क्या स्थिति है राशन कार्ड? हमारे वार्ड में राशन कार्ड की बहुत समस्या है, कम से कम हमारे वार्ड में 10% ही राशन कार्ड है। आखिर कारण क्या है? कारण क्या है कि हम लोग रिसीविंग ब्लॉक में पहले जमा हो रहा था, उसमें जमा के रिसीविंग में आए तो ये लंबित मान लीजिए कि STO साहब के यहाँ लंबित पड़ा हुआ है, अभी तक कार्ड बन कर नहीं आया। आपने कभी भी इसके लेकर अपने अधिकारी से बात की है? MO से बात किए थे तो वे बोल रहे हैं कि STO साहब के पास कार्ड बन गया है, आएगा तो मिलेगा, अभी तक कार्ड मिला नहीं। तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी सरकार देख रही है, क्या आग्रह करेंगे? आग्रह यही करेंगे कि हमारे द्वारा जो बातें हम बताए वे मान लीजिए कि जो सभी बातें बताए उस पर आप सबसे सरकार से यही अनुरोध है कि इस पर समस्या का समाधान करें। वार्ड नंबर 11, पंचायत गाँव डरुद्रनगर, अपना परिचय प्रखंड बिहिया, रामाकांत यादव।